दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी अभी भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली। हालांकि इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, तो आज जानेंगे इन्हीं कारणों के बारे में। यहां तक कि भारतीय टीम 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई और नतीजतन श्रीलंका की टीम 2-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर ली। आखिरी मुकाबले में तो भारत का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि 110 रन के विशाल अंतर से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ बता दें कि भारतीय टीम साल 1997 के बाद यह पहली बार है कि कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज हारी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं वह कारण जिस कारण से भारतीय टीम यह सीरीज हारी है। सबसे पहला कारण कोई और नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। जी हाँ, पहले ही मुकाबले के बारे में बात कर ले, बता दी कि पहला ओडीआई मुकाबला जो कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ खेली, उस मुकाबले में भारतीय टीम बहुत ही मजबूत पक्ष में दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम ने स्कोर को बराबर कर लिया था लेकिन वहां पे फिर विकेट गिर जाते हैं। हालांकि भारतीय टीम के हाथ में बस एक ही विकेट रहता है लेकिन फिर भी 14 गेंद शेष होते हैं, एक रन आसानी से लिया जा सकता है। और अगर कहीं ना कहीं गेंदबाज अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से आपका इंटेंशन दिखाई देता है उस तरह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उस मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हर्षदीप सिंह आखिरी बल्लेबाज के रूप में आते हैं, 14 गेंद शेष होती है और यहां से आप देख पाएंगे कि जिस अप्रोच में हर्षदीप सिंह बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, चूंकि भारतीय टीम को महज एक ही रन की दरकार होती है और हर्षदीप सिंह एक प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर सोचते हैं कि बड़ा शॉट मारे और उसी के चक्कर में हर्षदीप सिंह अपना विकेट गंवा बैठते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आखिरी मुकाबले के बारे में बात कर ली जाए तो आपने देखा होगा कि कैसे ऋषभ पंत स्टंपिंग करने में काफी लेजी पना दिखाते हैं। सामने वाला खिलाड़ी क्रीज से काफी बाहर होता है, यहाँ तक कि सामने वाला खिलाड़ी क्रीज से बाहर होते हुए भी क्रीज के अंदर आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद ऋषभ पंत स्टंपिंग करने में इतनी देरी कर देते हैं कि वह नॉट आउट होता है। इसके अलावा आपने ओवर कॉन्फिडेंस का एक एग्जाम्पल यह भी देखा होगा कि बल्लेबाज कैसे खराब शॉट्स खेलते हुए देखे गए। ऐसा दिखाई देता था कि काफी कॉन्फिडेंस भरा हुआ है भारतीय बल्लेबाजों में और एक अप्रोच के साथ ये तो ये मैच जीतने ही जा रहे हैं। एक दूसरा कारण मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स कर जाना। जी आपने देखा होगा कि कैसे पूरे सीजन में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उसके साथ ही सुमन गिल हमेशा मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखे गए, एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर जड़ते हुए देखे गए, लेकिन इसके बाद कोई भी बल्लेबाज सही से टिक करके बल्लेबाजी नहीं कर पाया। बड़े बल्लेबाजों में जैसे कि विराट कोहली इस पूरे सीजन नहीं चले। अगर मिडिल ऑर्डर से अक्षर पटेल का नाम हटा दिया जाए तो लगभग सारे बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए दिखाई दिए। एक तीसरा कारण बॉलिंग यूनिट भी रहा। आप देखेंगे कि हर बार भारतीय टीम अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाते हुए देखे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सुधार करने की जरूरत थी और यही कारण हर बार पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर जड़ दिया करती थी और नतीजतन भारतीय टीम उसे चेज करने में कामयाब नहीं हो पाती थी। एक आखिरी कारण कहीं न कहीं मैनेजमेंट और खास करके टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के अप्रोच का भी है। जब भारतीय टीम पहला मुकाबला हारी थी तो भारतीय टीम के अप्रोच में बदलाव किए जाने चाहिए थे, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे तीनों मैच में जिस तरह से भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हुए देखी जा रही थी, बहुत ही खराब तरीके से, ऐसा कि बड़ा ही कैजुअल बल्लेबाजी चल रहा है और ये पूरा सीजन इसी तरह से चलता रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और खास करके भारतीय टीम के हेड कोच की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह टीम को एक अच्छी दिशा दे ताकि टीम अपनी गलतियों को सुधार करते हुए बाकी मैच में जीत दर्ज कर पाए, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो पाया और भारतीय टीम यह सीरीज हार गई। खैर, आपको क्या लगता है कि और कौन से कारण रहे भारतीय टीम के हार के? मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।